हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनलो। इन टुडे लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट डी ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। बेसिकली सबको पता है कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस फोर पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट वन जो कि समन्स है, जो कि सेक्शन 61 to 69 में बताया गया है। पार्ट बी है जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट है, जो कि सेक्शन 70 से लेकर 81 तक डिस्कस्ड है। एंड पार्ट सी इज प्रोक्लेमनेशन एंड अटैचमेंट जो कि सेक्शन 82 to 86 में डिस्कस्ड है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज जो पढ़ने वाले हैं पार्ट डी, दैट इज अदर्स रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, जो कि सेक्शन 87 से 90 के बीच में बताई गई है। तो आते हैं सेक्शन 87 से 90 के बीच में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 87 क्या है? What is section 87? Issue a warrant in lieu of or in addition to summons. Issue a warrant in lieu of or addition to summons. A court may, in any case in which it is empowered by this code to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording its reason in writing warrant for his arrest. So two conditions are given here. If either before the issue of such summons or after the issue of the same, but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. B. If at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance with, and no reasonable excuse is offered for such failure. Basically, others rules regarding process under section 87 provides these conditions, like where the warrant of arrest in lieu of or in addition to summons. First, either before the issue of summons or before the time fixed for appearance, court sees reason to believe that person has absconded or will not obey summons. First one. And second one is person fails to appear and the summons is proved to have been duly served in the time and no reasonable excuse is offered for such failure. कहने का मतलब ये है कि, यानी सेक्शन 87 कहता है कि ऐसे कौन कौन से परिस्थिति होंगे, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे, सिचुएशंस होंगे, जब कोर्ट समन इशू किए बिना ही वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दे, या फिर समन के साथ साथ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो जाए कोर्ट के द्वारा। मीन्स साइमेंटेनसली वारंट एंड समन बोथ इज टू बी इशूड। ओके, देन विच सिचुएशन? फर्स्ट, लाइक सिचुएशन इफ कोर्ट थिंक्स दैट द पर्सन अगेंस्ट होम समन इज इशूड इज एबस्कॉन्डेड। ओके, एंड लाइक सेकेंड वन, लाइक इन स्टेड ऑफ समन वारंट ऑफ अरेस्ट इज टू बी प्रोसेस्ड और समन डिसओवेड। इन केस ऑफ समन डिसओवेड, लाइक यू सी द क्लॉज, लाइक क्लॉज बी में कहा गया है, इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन्स इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरिंग इन अकॉर्डेंस देयर विद and no reasonable excuse is offered for such failure. कहने का मतलब ये है कि अगर ये proved हो जाए कि अगर उसने जो summon जो दिया गया है वो summon को जारी किया जा चुका है, अगर ये proved हो जाए और उसकी disobeyed हो चुकी है, अगर उसको disobey किया है, तो ऐसे summon को warrant में तब्दील कर दिया जाएगा और उसके against, means issue of warrant in lieu of or in addition to summon, summon के बदले उसके पास arrest of warrant जाएगा, जारी होगा उसके अगेंस्ट। सेक्शन 87 में बस ये कहा गया है कि ऐसे कौन कौन से परिस्थिति होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगे, जब कोर्ट समन इशू किए बिना ही वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दे, बस इतना याद रखिएगा आप। एंड कम टू सेक्शन 88। सेक्शन 88, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन्स और वारंट, इशू अ समन्स और वारंट अजेंट इन सच कोर्ट, सच ऑफिसर मे रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ और विदाउट सिक्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस इन सच कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू विच द केस मे बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल, मे बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल। ओके, सेक्शन 88 में कहा गया है
कोर्ट जो जारी कर रही है वारंट ऑफ अरेस्ट, वह कोर्ट उस व्यक्ति से बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकती है। बॉन्ड चाहे तो सिक्योरिटीज या फिर विदाउट सिक्योरिटीज हो, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट डिस्क्रिशन। वह कोर्ट उस व्यक्ति से बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकती है। सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी यह डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट दैट द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड बाय लाइक सिक्योरिटीज और विदाउट सिक्योरिटीज। सो फॉर व्हाट पर्पज बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, सो टू एश्योर दैट ही विल बी मेक अवेलेबल वेन एवर कोर्ट डिजायर्स टू प्रेजेंट एंड एनी कोर्ट वेयर द केस इज ट्रांसफर्ड दैट पर्सन विल अवेलेबल वेन एवर द कोर्ट डिजायर्स टू प्रेजेंट। मीन्स कोई भी कोर्ट में अगर केस को ट्रांसफर किया जाता है, अगर वो कोर्ट उसको कभी भी बुलाएगी तो वो उस समय उपस्थित रहेगा वहाँ पे। इसके लिए बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया जाता है। सेक्शन में इतनी सी बात कही गई है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है सिक्योरिटीज़ या बिना सिक्योरिटीज़, ये डिस्क्रिशन कोर्ट की होगी। और जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है उसको ये मानना पड़ेगा। और चाहे तो केस किसी भी कोर्ट में ट्रांसफ़र हो, वो कोर्ट भी अगर उसको बुलाती है तो वो उस समय उस प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे। सेक्शन 89 क्या कहा गया है? कम टू सेक्शन 89 अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। इट टॉक्स अबाउट द ब्रीच ऑफ बॉन्ड। अभी बॉन्ड के बारे में बात किया था, अब इसकी ब्रीच हो जाएगी तो इसकी बात की गई है। अब इसको वेयर एक्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं एक बार। व्हेन एनी पर्सन हु इज बॉन्ड बाय एनी बॉन्ड टेकन अंडर दिस कोड टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट डज नॉट अपीयर, द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन सच कोर्ट मे इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। सेक्शन 88 में बॉन्ड को एग्जीक्यूट किए थे, पता है, हमने पढ़ा था। 89 सेज द बॉन्ड विच इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 88 इफ दैट बॉन्ड इज ब्रीच्ड, उस बॉन्ड की उल्लंघन कर दी गई, ब्रीच कर दी गई। सेक्शन 89 सेज द बॉन्ड विच इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 88 इफ दैट बॉन्ड इज ब्रीच्ड देन कोर्ट कैन अरेस्ट द पर्सन अगेंस्ट होम द वॉरेंट ऑफ अरेस्ट बींग इशूड। कोर्ट उसको अरेस्ट कर लेगी। क्यों अरेस्ट करेगी? क्योंकि वो पर्सन, जो वो व्यक्ति है, वह व्यक्ति ने बॉन्ड को ब्रीच किया है, इसीलिए उसको अरेस्ट कर लेगी। सेक्शन 88 में बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया गया है एंड सेक्शन 89 में क्या कर दिया उसको, उस बॉन्ड को ब्रीच कर दिया, उस बॉन्ड को ब्रीच कर दिया। उसके लिए कोर्ट उसके अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ वारंट इशू कर सकती है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मे इशू वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। ओके, नाउ कम टू सेक्शन 90। सेक्शन 90 प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। सो द प्रोविजन कंटेंट इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू द समन्स एंड वारंट एंड देयर इशू सर्विसेज एग्जीक्यूशन सेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एवरी समन्स एंड एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस कोड। मीन्स सेक्शन 90 स्टेट्स दैट द प्रोविजन विच इज डिस्कस्ड समन्स और वारंट ऑफ अरेस्ट इन चैप्टर 6। सो रिलेशन ऑफ द समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट इज actually like the provision of relation with the issue execution services all the apply on the summons or warrant of arrest. Okay, so the provisions of this chapter given in this chapter generally applicable to summons and warrant of arrest. So thank you so much.